नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। जिस तरह प्रत्येक माह के दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आता है, उसी तरह त्रयोदशी तिथि को प्रदोष का व्रत रखा जाता है। एकादशी को पुण्यदायी व्रत माना गया है और प्रदोष को कल्याणकारी कहा गया है। इस समय भाद्रपद माह चल रहा है और 24 अगस्त दिन बुधवार को इस माह का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ने के कारण इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जा रहा है। इस व्रत से सांसारिक जीवन के सभी कष्ट व पाप आदि से मुक्ति मिलती है। महादेव और माता पार्वती की कृपा से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। संतान की इच्छा रखने वाले जातक प्रदोष व्रत के दिन पंच गव्य से महादेव का अभिषेक कराना चाहिए। प्रदोष व्रत शुभ मुहूर्त और तिथि। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 अगस्त सुबह 8:30 से, त्रयोदशी तिथि का समापन 25 अगस्त सुबह 10:37। त्रयोदशी तिथि की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। प्रदोष काल संध्या के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले ही शुरू हो जाता है। पारण का समय 25 अगस्त। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।